मेरा बचपन से ही प्लान था कि या तो मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे आईएएस बनना है। मेरे पिताजी रोडवेज में ड्राइवर हैं, घर का खर्चा ही चलना मुश्किल होता था। फिर साइबर कैफे स्टार्ट किया। लैंग्वेज की वजह से मुझे कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। मेरे पिताजी रोडवेज में ड्राइवर हैं और परमानेंट है नहीं तो संविदा पे हैं, तो परिवार को उतनी इनकम नहीं होती थी। 10 से 12 हज़ार रुपये ही ओवरऑल पूरी फैमिली इनकम थी। घर का खर्चा ही चलना मुश्किल होता था उस वक्त। फिर साइबर कैफे स्टार्ट किया, जिससे मैंने घर वालों की भी मदद की और कुछ अपने भी पैसे सेविंग किए। साइबर कैफे चलाना, उसके बाद क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए जाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। क्रिकेट के लिए इक्विपमेंट वगैरह भी खरीदने होते हैं, तो उसके लिए भी पैसों की जरूरत होती है। टाइमिंग भी देना होता है, जो शायद मैं नहीं दे पा रहा था। मेरा बचपन से ही प्लान था कि या तो मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे आईएएस बनना है। क्रिकेट की तैयारी मैंने इसलिए की थी क्योंकि जिंदगी में मुझे कभी ये ना लगे कि मैं क्रिकेटर बनने के लिए ट्राई नहीं किया। आत्या फाउंडेशन बेसिकली एक एनजीओ है जो देश के सबसे गरीब विद्यार्थी होते हैं और वो खुद से चीज़ों को नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक टेस्ट आयोजित कराता है और उसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनको वो रहना खाना और कोचिंग की सुविधा प्रदान करता है। मैंने पहले जो 3 अटेम्प्ट में गलती की थी उनसे मैंने सीखा। उनको मैं निगेटिव वे में नहीं लेकर एक पॉजिटिव वे में लिया कि हर जगह मुझसे कहाँ गलती हुई थी और इस बार कोशिश की कि वो गलती इस बार ना हो। हर एरिया से सवाल पूछे गए और मैंने काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ था कि मुझे कहीं भी सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये सबसे अच्छी चीज थी जो मेरे इंटरव्यू में हुई। तीसरे सवाल के रूप में मुझसे पूछा गया कि यदि आप मुरादाबाद के डीसी बन जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो मैंने गरीबी, साक्षरता, लिंग अनुपात और बिजली, पानी, सड़क इन रूपों में उत्तर दिया। मेरे सिलेक्शन के बाद वहां पर एक उम्मीद की किरण जागी है। वहां पर भी लोग अब बड़े सपने देख रहे हैं, उनके अंदर भी एक ललक है कि वो भी कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो एक प्रॉपर गाइडेंस की आती है, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा YouTube चैनल या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकूं जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। यदि आपने ठाना है कि आपको आईएएस बनना है तो अपने अंदर ये भरोसा पैदा कीजिएगा कि आप कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ऑथेंटिक सोर्स पढ़ें, यूपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं उनको कंटिन्यू बेसिस पे देखते रहें।